ये मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय का एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय यह नहीं है कि कुछ ही वर्षों पहले नवनिर्मित ये डिपार्टमेंट इस खस्ता हालत में क्यों है। चर्चा का विषय यह नहीं है कि जहां 25 से 30 फैकल्टी मेंबर्स की आवश्यकता है वहां 7-8 मेंबर्स से ही काम क्यों चलाया जा रहा है। चर्चा का विषय नहीं है इसके उखड़े हुए टाइल्स, इसकी बदबू मारती टॉयलेट्स, इसके लाइब्रेरी पर ठुका ताला। इस देश के लिए चर्चा का विषय यह है कि इस डिपार्टमेंट की एक धूल भरे कोने में एक विद्यार्थी चिल्ला चिल्ला कर साइलेंट प्रेयर कर रहा है और उसकी उस साइलेंट प्रेयर के शोर से पूरे विश्वविद्यालय की पठन पाठन प्रक्रिया भंग हो रही है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस देश के तमाम मीडिया संस्थानों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण खबर को खूब हवा दी, जिनके लिए यह मुद्दा नहीं है कि इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने लॉकडाउन के दौरान सुसाइड क्यों किया, जिनके लिए यह मुद्दा नहीं है कि सागर विश्वविद्यालय में स्थित मध्य प्रदेश की सो कॉल्ड सबसे बड़ी लाइब्रेरी की हालत क्या है, जिनके लिए यह मुद्दा नहीं है कि डॉक्टर गौर का सपना आज मुर्दा शांति से भर चुका है, जिनके लिए सिर्फ यह मुद्दा है कि सागर विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट के धूल भरे कोने में एक विद्यार्थी चिल्ला चिल्ला कर साइलेंट प्रेयर क्यों कर रहा है। साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे धर्म के रक्षकों का जिन्हें धर्म की चिंता तो है ही, साथ ही वो विद्यार्थियों की पठन पाठन प्रक्रिया की भी चिंता करने लगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन छात्र संगठनों का जिन्होंने ऐसे कठिन दौर में, जबकि विद्यार्थियों के बीच में समस्या ढूंढना मुश्किल काम है, इतनी महत्वपूर्ण समस्या ढूंढ कर निकाली। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सभी का। धन्यवाद।